हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये आइसोमेट्रिक रोलिंग पाइप ड्राइंग के बारे में। इसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे और इसका टेम्पलेट कैसे बेंड करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं यह जो ड्राइंग है, यहाँ पर एल्बो का ज्वाइंट यहाँ पर नहीं दे रहा है, सिर्फ यहाँ पर बैंड का सिम्बल दे रहा है कि यहाँ से लाइन डिग्री में मुड़ रहा है। और यहाँ पर जो ज्वाइंट का सिम्बल दे रहा है, इसका लिख रहा है कपलिंग ज्वाइंट। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक ज्वाइंट का सिम्बल है और इसका लिख रहा है कपलिंग ज्वाइंट, और यहाँ पर भी लिख रहा है कपलिंग ज्वाइंट। और जहाँ जहाँ से ये लाइन डिग्री में मुड़ रहा है, वहाँ पर हर जगह पर डिग्री लिखा गया है। अगर इस लाइन का एक और 3D डिजाइन दिया गया है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं ये उसी लाइन का 3D डिजाइन है। यहाँ से इस तरफ से लाइन जा रहा है और ये जो लाइन है 72 इंच का है। और यहाँ पर जो बैंड बन रहा है, वहाँ पर माइटर बैंड इस तरीका से आपको बना कर ले जाना है। और जहाँ पर कपलिंग ज्वाइंट हो रहा है, इस तरीका से ये कपलिंग ज्वाइंट होगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखिए ये कपलिंग ज्वाइंट है और बीच में दो जगह माइटर बैंड यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर इस तरीका से कैसे डायरेक्शन दे रहा है वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि इधर नॉर्थ है और इधर साउथ और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। इसके हिसाब से अगर हम इस ड्राइंग को देखते हैं, तो ये लाइन मान लीजिए कि यहाँ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और नॉर्थ से यहाँ पर अगर 90 डिग्री का सीधा बैंड अगर फर्स्ट डायरेक्शन हम देखेंगे, अगर इस तरफ ये लाइन जाता, तो ये लाइन इस तरफ से वेस्ट में सीधा चला जाता है। लेकिन ये वेस्ट में ना जा करके यहाँ से लाइन नॉर्थ की तरफ रोलिंग करना है 34 डिग्री, और उसके बाद दूसरा डायरेक्शन दे रहा है अप में रखना है। तो दूसरा डायरेक्शन का जो डिग्री है 29.47 डिग्री दे रहा है, यानी कि 29 डिग्री मानेंगे हम, तो 29 डिग्री अप में रोलिंग करना है और हॉरिजॉन्टल रोलिंग 34 डिग्री करना है। यहाँ पर देखिए, अब जो यहाँ पर जो बैंड रहेगा वो कितना डिग्री का बैंड रहेगा, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि यह जो बैंड रहेगा 56 डिग्री का रहेगा। यहाँ पर जो बैंड रहेगा 56 डिग्री। फाइनल डिग्री जो हम कैलकुलेशन करने का तरीका आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ से और यहाँ से कैलकुलेशन हम करेंगे, यहाँ वाला डायमेंशन और यहाँ वाला डायमेंशन को दोनों को निकाल करके। यहाँ पर डायमेंशन नहीं दिया गया है, डायरेक्ट डिग्री दे दिया गया है। लेकिन इसमें अगर डायमेंशन होता, ये वर्टिकल रोलिंग और ये हॉरिजॉन्टल रोलिंग, यहाँ का दोनों का डायमेंशन होता, तो ये यहाँ का फाइनल जो है कैलकुलेशन करके हम डायमेंशन निकालते, इसके हिसाब से हम इसका फाइनल डिग्री निकाल सकते थे कि 56 डिग्री रहेगा। तो 56 डिग्री डायरेक्ट यहाँ पर एल्बो दे दिया गया, 56 डिग्री एल्बो को लगा करके इसको लाइन को इस तरह से वेस्ट से नॉर्थ में रोलिंग करना है और नॉर्थ से अप में जाएगा। और फिर यहाँ पर एक और माइटर बैंड बना करके इस लाइन को 11 डिग्री जो है नॉर्थ में रोलिंग करना है, और उसके बाद यहाँ पर कपलिंग ज्वाइंट हो जाएगा। इस तरीके से इसका डायरेक्शन दे रहा है। तो हम इसका टेम्पलेट बैंड कर लेते हैं, किस तरीके से टेम्पलेट बैंड करेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम टेम्पलेट ले लेंगे और अपने सामने हमेशा नॉर्थ मानेंगे और इधर साउथ और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट मानेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ से ये जो लाइन दे रहा है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ ये लाइन जा रहा है, तो हम इस तरीके से साउथ से नॉर्थ की तरफ एक हम ऐसे टेम्पलेट पकड़ लेंगे। और उसके बाद दे रहा है वेस्ट की तरफ करना है इसको, तो वेस्ट की तरफ ऐसे हम मोड़ेंगे। पहले डायरेक्ट वेस्ट की तरफ मोड़ दिए, ये 90 डिग्री का भी हो गया। लेकिन अब यहाँ से वेस्ट से ये दे रहा है कि नॉर्थ की तरफ 34 डिग्री रोल करना है। तो यहाँ से 34 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये जो है रोल हो गया, यहाँ से 34 डिग्री रोल हो गया। इस तरीके से यहाँ पर अलग डिग्री में यहाँ पर, यानी कि 56 डिग्री का यहाँ पर बैंड जो है बन गया मान के चलिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि 29 डिग्री अप में रोल करना है। इस तरीके से यहाँ से अब लाइन 29 डिग्री अप में रोल होगा। अप में रोल होने के बाद अब यहाँ पर दे रहा है दूसरा रोलिंग, 11 डिग्री वेस्ट से नॉर्थ में ही रोलिंग करना है, यानी कि वेस्ट से नॉर्थ में 11 डिग्री यहाँ पर एक रोलिंग आ रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से ये लाइन का जो है रोलिंग आपका रहेगा। यहाँ से ये लाइन नॉर्थ की तरफ 11 डिग्री में रहेगा, बिल्कुल सीधा रहेगा, ये अप में नहीं रहेगा, बिल्कुल एकदम नॉर्थ में ये लेवल में रहेगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट ये बिल्कुल लेवल में रहेगा, और ये वाला जो भाग है सिर्फ उठा हुआ रहेगा 29 डिग्री वेस्ट में जा करके अप में। वेस्ट में पहले जाएगा, पहले ये लाइन जाएगा ऐसे ऐसे, वेस्ट से नॉर्थ में रोलिंग होगा, उसके बाद 29 डिग्री अप में रोल हो जाएगा, और यहाँ से बिल्कुल सीधा नॉर्थ की तरफ 11 डिग्री में यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से आपको इसका टेम्पलेट बेंड करना है। यहाँ वाला जो एल्बो है वो ऊपर रहेगा और यहाँ वाला जो एल्बो है डाउन में रहेगा थोड़ा, और ये जो है बिल्कुल सीधा साउथ के तरफ में रहेगा इस तरीका से। तो इस तरीका से आपको टेम्पलेट बेंड करना है। और ये बनने के बाद कैसा दिखेगा, यहाँ पर 3D डिजाइन दिया गया है। तो बनने के बाद यहाँ 3D डिजाइन में आप देख सकते हैं, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो है एल्बो डाउन है और ये अप में है, लेकिन ये डाउन नहीं है, ये वाला ये अप में है और ये डाउन में है, क्योंकि हम ये जो डिजाइन है थोड़ा सा ऊपर से इसका व्यू बनाया गया है, टॉप व्यू जैसा डिजाइन ये बनाया गया है, इसलिए ये आपको डाउन दिख रहा है। लेकिन ये टॉप व्यू डिजाइन है, इसे हम टॉप से देख रहे हैं, इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है। यहाँ से ये लाइन आकर के यहाँ से थोड़ा ऊपर उठ रहा है, ये ऊपर उठा है, और उसके बाद ये डिग्री में 11 डिग्री में इस तरफ जा रहा है।
तो इसी तरीके से आपको टेम्पलेट बेंड करना है और रोलिंग ड्राइंग जो है देखना है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।